बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज ही हम आपके लिए लेके आए हैं मोमोज़ की रेसिपी, जिसके लिए हमने ये 2 कप मैदा ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे, 3 तरह इसको मिक्स कर लेंगे पहले। इसको गूंदना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी डालें। ना आपकी डो ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, ना ही बहुत नरम हो, मीडियम सी होनी चाहिए आपकी डो। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं। डो हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम इसको रेस्ट देंगे 10 से 15 मिनट तक, तो फिर हम मिलते हैं। अब हम मोमोज़ के लिए स्टफिंग तैयार करते हैं, जिसके लिए हमने ले लिया ये कुछ गाजर, जो हमने इसको कद्दूकस कर लिया है, हरी प्याज है हमारे पास, कुछ हरी मिर्चें कट कर ली हैं, ये शिमला मिर्च है जो बारीक छोटी हमने काटी है। इसके अलावा ये 1 टीस्पून हमने नमक ले लिया है, 1 टीस्पून ही हमारे पास काली मिर्च पाउडर है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ली है और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें डाल रहे हैं चिल्ली सॉस। ये हमारे पास 1 पाव के करीब कीमा है। मसाले ऐड करेंगे इसमें, सबसे पहले नमक, मिर्ची, सोया सॉस। बिल्कुल आपका कीमा ड्राई नहीं होना चाहिए, धोने के बाद भी थोड़ा थोड़ा गीला हो, क्योंकि जब आप उसको करेंगे स्टीम तो बिल्कुल ही ड्राई हो जाता है, तो इसलिए आपका कीमा थोड़ा थोड़ा ढीला सा होना चाहिए। अच्छी आप अब सब्ज़ी शामिल करें, जो भी सब्ज़ी आपको ज़्यादा पसंद है, जो आप खाना चाहते हैं वो आप शामिल कर सकते हैं। कुछ हरी मिर्चें भी हमने काट की थी, ये भी डालेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। कीमा हमारा तैयार हो चुका है, अब हम मोमोज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। हम डो हमारी बिल्कुल बेहतरीन सी तैयार है। आप चाहें तो इसकी एक ही बड़ी रोटी बना लें, चाहें तो आप छोटे छोटे पेड़ों में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन हम इसका एक ही बड़ी रोटी बनाएंगे, फिर उसमें कटिंग कर लेंगे जितने साइज़ के हमें चाहिए। हमने इसको 2 हिस्सों में कर लिया है, अब हम इसको बेल लेते हैं और बीच में से हम कटिंग कर लेंगे। ये बड़े साइज़ की हमने एक ही रोटी बेली है, जिसको हम ग्लास की मदद से कट कर सकते हैं। अगर आपके पास कटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, जितने साइज़ के आपको चाहिए। पेड़े बना के भी आप बना सकते हैं, लेकिन इस तरह अगर बनाएंगे तो आपके एक ही साइज़ में बनेंगे मोमोज़। इसको हम उठा लेते हैं जो एक्स्ट्रा है, दोबारा आप इसका पेड़ा बना सकते हैं, दोबारा आप इसके ट्राई कर सकते हैं मोमोज़ के लिए। फिलिंग हम इसको इसमें डालते हैं, जितनी ज़्यादा आप डाल सकते हैं उतना ये टेस्टी बनेगा। साइडों पे आप पानी लगा लें इसको जोड़ने के लिए अच्छी तरह। इसको अच्छी सी शेप दे सकते हैं, मुख्तलिफ शेप का भी बना सकते हैं आप, जो आपको ज़्यादा पसंद है। अब हम इसकी फिलिंग करते हैं, जितनी ज़्यादा आप इसमें फिलिंग करेंगे उतना टेस्टी आपका होगा। साइडों पे पानी लगाएंगे, अच्छी तरह लगाएं ताकि खुल ना जाए आपका ये मोमोज़। इसको जोड़ेंगे ऐसे, सारी साइडें जोड़ लें अच्छी तरह। जोड़ने के बाद आप इसको यूं, मुख्तलिफ शेप्स के भी होते हैं, जो भी आपको पसंद है आप बना सकते हैं। ये जी तैयार है।
मोमोज हमारे तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको स्टीम करना स्टार्ट करते हैं। ये हमने स्टीमर चूल्हे पर रख लिया है, अब हम इसकी जाली को अच्छी तरह ग्रीस कर लें ताकि आपके मोमो इसके साथ चिपके नहीं। हाथ से भी आप लगा सकते हैं, अगर आपके पास ब्रश वगैरह नहीं है तो ये कोई ख़ास बात नहीं है, आप इसको हाथ से भी ग्रीस कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम रखेंगे मोमोज को। अभी हम इनको स्टीम के लिए ऊपर से कवर करेंगे और इनको 15 मिनट्स देंगे हम। फ्लेम आपकी मीडियम होनी चाहिए और 1.5 लीटर हमने पानी डाला है, क्योंकि हमारा स्टीमर ज़रा बड़ा है तो इस वजह से, आप अपने स्टीमर के हिसाब से छोटा है तो कम पानी ले सकते हैं। जब तक हमारे मोमोज तैयार होते हम इसके लिए चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए ले ली है ये टमाटो प्यूरी है हमारे पास, ये 3 टेबल स्पून है हमारे पास, 1 टीस्पून हमारे पास सोया सॉस है, 1 टीस्पून ही हमारे पास ये चिल्ली सॉस, और 1/2 टीस्पून हमारे पास सिरका है जो हम इसमें यूज़ करेंगे। ये 1 टेबल स्पून हमने ऑयल ले लिया है, इसमें डालेंगे लहसुन अदरक और 1 हरी मिर्च हमने ले लिया है इसके साथ। हल्का सा सोते करेंगे इसको हम, इसको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, बस अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फ्लेम को स्लो कर लें। साथ ही हम डालेंगे सोया सॉस, चिल्ली सॉस और सिरका। सिरका और सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है, इसलिए हम इसमें नमक शामिल नहीं कर रहे। लहसुन अदरक के साथ 1 हरी मिर्च भी हमने कूट ली थी, बस इसको कुछ देर ही कुक करेंगे। मोमोज की चटनी हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और मोमोज को डिश आउट करते हैं। मोमोज हमारे तैयार हो चुके हैं, साथ चटनी भी हमने आपको सिखा दी है, तो लाजमी आप इन्हें ट्राई करें, आप इन्हें ट्राई किया करें और फिर फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपकी चीज़ कैसी बनी है। बहुत ही शानदार मज़ेदार मोमोज तैयार हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।